पार्टी के वार्ड 22 के कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़। आज नगर कुंदरकी के किसान पब्लिक प्राइमरी स्कूल में भीम आर्मी के राजनीतिक दल आजाद समाज पार्टी के जिला पंचायत मुरादाबाद के वार्ड संख्या 22 के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें सर्वप्रथम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इंडिया समाचार के लिए मुरादाबाद से हमारे संवाददाता शाहनवाज अफाकी की ये रिपोर्ट। ताली तो नवाज करने आ रही है दर्शन, तालियों की आवाज चाहे के हौसला बढ़ता है। ये हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत दवा की देते हैं। चलिए, मंच पे बैठे हुए सभी सम्मानित साथियों को, अपने बड़ों को मैं नमन करता हूँ। और मुझे बात रखने का मौका मिला है तो ज्यादा लंबी बात तो मैं नहीं रखूंगा, क्योंकि समय इतना नहीं है। आज का जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम है कार्यकर्ता सम्मेलन। भाई चंद्रशेखर आजाद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आज के कार्यक्रम की ये पहल की गई थी हमारे भाई आसिफ पासा द्वारा। और अभी वकील साहब बोलते रहे हैं आपके सामने, बहुत अच्छे शेर से उन्होंने आपको नवाजा है। कितना आगे बढ़ते हैं, कितना सोचते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमारे जिले के प्रभारी जो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, रमेश कुमार गंधर्व जी, बाबू शराफत अली जी जो संस्थापक सदस्य हैं, मुन्ना भाई जो हमारे महानगर के अध्यक्ष हैं, और आदरणीय साहब का नाम मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैं सभी का दिल से इस्तकबाल करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि मैं अपना कीमती समय यहां पर दे रहे हैं और समाज के लिए बाबा साहब के मिशन में आगे बढ़ चढ़कर कार्य कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूंगा। सबसे पहले आप जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा और इस्तकबाल करना चाहूंगा कि हम आपसे हैं, ना कि आपसे हम। मैं समझाना चाहूंगा थोड़ा सा इसको कि अगर आज हम सम्मानित हैं तो वो यहाँ पर बैठे हुए आप लोगों की वजह से। अगर आप लोग नहीं हो तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो सबसे ज्यादा मैं शुक्रिया अदा आप लोगों का करना चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पर समय निकालकर हम जैसे बाबा साहब के विचारों पर चलने वाले लोगों को सुनेंगे। इसी के साथ भीम आर्मी जो आजाद समाज पार्टी की एक ताकत है, मैं पूरे देश की भीम आर्मी को बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि